नमस्ते, मैं हूँ आरती और इस चैनल पे मैं DIY, ऑर्गेनाइजेशंस और क्राफ्ट्स के वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज इस वीडियो में मैं अपना ड्रेसिंग टेबल, जो कि एक कार्डबोर्ड से बना हुआ है, तो उसे मैं कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ वही शेयर करूँगी। तो ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल जो कि मैंने खुद बनाया है। इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे पोस्ट किया है, मैं लिंक दे दूँगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। तो इसके टॉप पे मैंने कुछ इस तरह से, जो कि मेरे डेली यूज़ के सामान हैं, वो अरेंज किए हैं। और एक टिन का डब्बा है, कुकीज़ था इसमें, और इस तरह से मैंने अपने कोम रखा है। और एक आपका ड्रेसिंग टेबल बड़ा हो या छोटा हो, एक उस पर कोई सा भी बाउल अगर रखते हो तो ज़्यादा मैसी नहीं होता आपका टेबल का टॉप। और ये बाउल भी जूट से बना है, इसका वीडियो भी मैंने पोस्ट किया है। और मैंने एक कपड़ा यहाँ पे रख डाल दिया है ताकि इस पर कोई स्क्रैच ना आए। और इसमें ड्रॉअर भी बना है, ड्रॉअर में मैंने, जो कि मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, उस सामान को रखा है, मेरे लिपस्टिक और जो भी वॉच वगैरह, वॉच, क्लच, क्लिप, उन सबको इसमें रखा है। और यहाँ नीचे एक जो आपको बास्केट जैसे दिख रहा है, ये एक्चुअली पेपर से बना है। मेरे घर में ऑलमोस्ट मेरे बनाए हुए चीज़ें ही मैंने रखे हैं, मुझे अच्छा लगता है। और इसके अंदर जो भी ट्रैवल के लिए मैं ज़रूरत पड़ती है वही सब चीज़ें मैंने रखे हैं। और कुछ जो कि एक्स्ट्रा बो वगैरह है उन्हें रख दिया है। फिर इसके पीछे यहाँ अंदर में इन बॉक्स में मैंने अपने बैंगल्स रखे हैं, क्योंकि मैं बहुत कम पहनती हूँ। इसमें भी बैंगल्स है, फिर इसमें भी बैंगल्स है। और इस तरह से आप जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं करते उन चीज़ों को आप पीछे की तरफ से रखते हैं तो आपका थोड़ा स्पेस भी सेव हो जाता है। और ये ग्लास मैं यूज़ नहीं करती थी प्लास्टिक का, तो मैंने यहाँ यूज़ किया है। तो इसी ऐसे बॉक्स, अगर डब्बे आपके पास नहीं है तो आप कुछ बास्केट्स वगैरह भी रख सकते हैं, तो उसमें भी आप अरेंज करके रख सकते हैं, जो कि ऐसे रखने से ज़्यादा चीज़ें बिखरती नहीं हैं, वापस से हम उसी जगह में ठीक से रख देते हैं। तो बस कुछ इस तरह से मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज किया है। एग्जैक्ट मिरर के नीचे ही मैंने रखा है इसको। थैंक यू, बाय।